Hey guys, thank you for stopping by to watch a video of mine. In this video, I just want to thank you guys कि हमने अपने चैनल पे पहला माइलस्टोन हिट करा है, that is 1000 सब्सक्राइबर्स। मे बी आपके लिए नंबर थोड़ा छोटा होगा, पर मेरे लिए ना एक टाइम पे ये पहाड़ हुआ करता था। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था तो मुझे लगता था पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, कितना टाइम लगेगा ग्रो करने में। बट ऑलमोस्ट मुझे यूट्यूब में 9 months हो गए हैं एंड नाउ वी 1000+ YouTube फैमिली। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा था, आपने मेरे को हेल्प करा ग्रो करने में, मेरे काम को अप्रिशिएट करा। थैंक यू सो मच। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक टू माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट करा। पेरेंट्स सपोर्ट किए, कभी रोके नहीं, वो हमेशा मेरे को आइडियाज़ देते रहे कि आप इस चीज़ पे कंटेंट बना सकते हो, फूड व्लॉग्स बना सकते हो और भी बहुत सारे आइडियाज़ दिए। इनफैक्ट मेरा जो भाई है मेरे को सॉफ्टवेयर सिखाया, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी वीडियो एडिट भी कर पाऊँगी, बट उसने मेरे को 3 सॉफ्टवेयर सिखा दिए ताकि मैं अपने वीडियोज़ को शूट करूँ और एडिट भी कर दूँ। सो रियली थैंक यू आशू एंड दीदी को भी थैंक यू, क्योंकि टाइटल्स डिस्क्रिप्शंस में आपने मेरी बहुत मदद की है सच्ची, अदरवाइज़ मेरे लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट होता था। ऑल्सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे को हमेशा बोला कि देखो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट देना है अपने ऑडियंस को। तो कई बार ऐसा होता था ना कि मैं कुछ वीडियोस बना लेती थी, क्वालिटी की थोड़ी कमी रहती थी, तो उन्होंने मेरे को स्टॉप करा कि नहीं देखो ये डालना ही नहीं है। तो कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जो स्क्रैप हो गए, लेकिन थैंक यू गाइज़ कि मैंने वो वीडियो नहीं डाला, क्योंकि आप लोग भी चाहते थे कि मैं अपने ऑडियंस को क्वालिटी कंटेंट दूँ। तो आज आपके वजह से ये सब हो पाया है और आपका फीडबैक भी मुझे चाहिए कि मेरे को कहाँ इम्प्रूव करना है, क्या क्या कंटेंट आप देखना पसंद करोगे। और ऑल्सो अभी तो बस 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, अभी जैसे जैसे मोनेटाइजेशन होगा और चैनल ग्रो करेगा तो मैंने सोचा है कि कुछ छोटे मोटे गिव अवेज भी करना शुरू करूँ। ऑल्सो आई हैव अ मैसेज फॉर यू गाइज़ कि आपको जो चीज़ अच्छा लगता है ना आप वो करना शुरू करो। ये मत सोचो कि ठीक है देखा जाएगा कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आप उस चीज़ को ना आज ही स्टार्ट करो, क्योंकि ना वो आपको अंदर से खुशी देगा। मतलब इफ़ यू आर विलिंग टू डू समथिंग वाई डीले, क्यों आप डीले करोगे। शायद यही रीज़न था कि मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा, क्योंकि ये मेरे को ना फूड ब्लॉग्स बनाना या फिर फैशन वीडियोस बनाना मेरे को बहुत खुशी देता है। मैं नहीं सोचती कि क्या होगा, कितना आगे जाएगा, पर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी क्योंकि ये मुझे अंदर से खुश रखता है। तो आप भी जो चीज़ आपको पसंद है, बी इट ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, इसके बाद डांस करना या कुछ भी, जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है ना आप उसे करो, वो आपको अंदर से खुश रखेगा। एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुश रहना। तो अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।